हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मैं रहूं या ना रहूं गाना, जिसे अरमान मलिक ने गाया है। तो उस गाने को आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड पे कैसे बजाएंगे, तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे नोटेशन के साथ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाएँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो के लिए आप बगल वाली घंटी आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस गाने में यूज हुए नोट्स आपको दिखा देता हूँ। सी डी ई एफ जी ए ए शार्प सी डी ई एफ जी। आप ये वाला जी और ये वाला एफ को भी मान सकते हैं। तो गाना स्टार्ट होने से पहले एक म्यूजिक आता है, तो उसे पहले देखते हैं। तो म्यूजिक कुछ इस तरह से है। तो अब स्लो में नोटेशन के साथ देखते हैं। तो एफ से स्टार्ट होता है, फिर से अगला, फिर से सेकंड वाला को देखते हैं। अब थर्ड बार जो आता है शुरू वाला जैसे ही है, फिर से अब आखिरी वाला। फिर से आखिरी वाला को देखते हैं। अब चारों को एक साथ देखते हैं सिंगल उंगली से। अब गाना स्टार्ट होता है, मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं उसके लिए। बहुत सिंपल है। सी सी बी जी ए सी ए। फिर से देखते हैं। तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। फिर से और एक बार। अब आगे आता है, मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना। जो शुरू वाला फर्स्ट और सेकंड लाइन को हमने देखा ठीक उसी तरह ही है, लेकिन उसका बोली ही अलग है। तो फिर भी देख लेते हैं।
तुम ख्वाबों में आते रहना। अब आगे आता है, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। इस लाइन को 4 बार गाया गया है, तो उसे देखते हैं एक एक करके। इसी लाइन को फिर से देखते हैं। और एक बार। अब सेकंड लाइन पे आते हैं, बस इतना है तुमसे कहना। और एक बार। इन्हीं 2 लाइन को फिर से रिपीट किया गया है, तो हम भी देख लेते हैं। इसके बाद फिर आता है, मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। अब स्टेंजा पे आते हैं, तो इसके बाद पहला लाइन है, किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूं। तो उसके लिए नोटेशन देखते हैं। यहाँ सी से भी आप शुरू कर सकते हैं, आप सी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एफ से शुरू करके सी में आते हैं तो आपका अच्छा लगेगा। फिर से, किसी रोज बारिश जो आए। समझ लेना बूंदों में मैं हूं। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूं। अब फिर से इन्हीं 4 लाइन को दोहराया गया है, तो एक एक बार करके फिर देख लेते हैं। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूं। इसके बाद आता है, कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। तो शुरू वाला जैसे हमने सीखा था, मैं रहूँ या ना रहूँ, उसी टाइप से ही है। कुछ कहूँ तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना।
बस इतना है तुमसे कहना। अब सेकंड स्टेंजा पे आते हैं। तो सेकंड स्टेंजा भी फर्स्ट जैसे ही है। अगर आप फर्स्ट वाला सीख गए तो आप सेकंड वाला को भी आसानी से बजा लेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेंजा बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए हैं तो सेकंड स्टेंजा को आप बहुत ही आसानी से प्ले कर लेंगे। तो इसे सेकंड स्टेंजा को रिविज़न के तौर पर ले लेते हैं जल्दी जल्दी। अब इतना डीपली इसमें नहीं जाएंगे। तो देखते हैं, हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊँगा तुमको छू के। गुजर जाऊंगा तुमको छू के। अगर मन हो तो रोक लेना। ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं दिखूं या ना दिखूं, तुम मुझको महसूस करना। तुम मुझको महसूस करना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। तो इस तरह से गाना ख़त्म होता है और हमारा वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसे अपने से प्रैक्टिस कीजिए और जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पियानो नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फर्स्ट लिंक को चेक कर सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। थैंक यू। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।